क्योंकि मजहब जिला प्रशासन इसमें उनका रवैया ढीला इस बात को लेकर कहा जा सकता है, क्योंकि लगभग जैसे आप बता रहे हैं ये 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है, तो जिला प्रशासन चाहती तो लोगों सकती थी, लोगों को सुझाव दे सकती थी, जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को बता सकती थी, बहुत सारे ऐसे सुझाव है। इसके अलावा ये भी हम लोगों का सूचना मिला, जैसे लगातार हम लोग अगर फील्ड वर्क करते हैं तो लोगों का एक आता है जब हम लोग विभाग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी भी देते हैं, तो उनका जो आने का जो तीव्र जो होता है, जो जितना जल्दी आना चाहिए वो नहीं आ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें उनका जो रवैया काफ़ी ढीला है, उनको तत्काल इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। आपको पता होगा अभी फिलहाल जो है मिराल प्रखंड के बिकता में एक पुरुष आए हैं, उसको हाथी जो है इस कदर तोड़ दिया है, पूरा शरीर को पूरा जगह जगह पर ब्लड निकल रहा है, फट गया है, कहीं ना कहीं उनकी हालत जो है इतनी नाजुक स्थिति है, और ये लगातार हो रहा है। आपको ये भी पता होगा जब भंडरिया में जो है एक बच्चे के साथ कैसा घटना हुआ, इससे पहले मिराल का भी एक तेंदुआ जो है घर में घुस गया था लोग, तो कहीं ना कहीं गढ़वा जो है पूरा दहशत में फैला हुआ है, और यहाँ के प्रशासन पर इस पर जो है तत्काल नजर देना चाहिए, लेकिन प्रशासन अभी भी सोई हुई है, जो उसको देखना चाहिए, इस पर बचाव होना चाहिए, जगह जगह पर कैंप लगाकर उसको जागरूक करना चाहिए। जैसे कि हालांकि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हम जानकारी भी ये दे दें, जिस समय अगर वो गाँव से बाहर है, जैसे जंगल से जंगल के आसपास हैं, गाँव से बाहर हैं या अकेला है, तो इस स्थिति में उनको ये लगना चाहिए कि हम जो है गांव के अंदर चले जाएं, अपने घर के अंदर चले जाएं, आग की व्यवस्था रात को आग की व्यवस्था करें, अगर बाहर में लाइट उठ की व्यवस्था है तो कहने के जंगली जो जानवर है ये बाहर नहीं आएंगे, और कहने के आप इसे सुरक्षित होंगे, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है, इसमें जिला प्रशासन मतलब कह सकते हैं आपके शहर भी अब महफूज नहीं है। नहीं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मुख्यालय से 4-5 किलो अंदर में आ सकता है, तो क्या लग रहा है जिला प्रशासन क्यों भी लपेट में आ सकती है, जो आज हमें बचाने वाले हैं कहने के वो भी लपेट में आज आ सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिल्कुल बचाने वाले भी उसके लपेटे में आ सकते हैं, तो ऐसे में आम जनता से अपील यही होगा कि वो मशाल जलाए रात में, हाथियों से बचने के लिए कई तरह के उपाय है जो कि उसको करना चाहिए, और साथ ही डीओफओ को यानी कि यहाँ पे जो वन विभाग की टीम है तत्काल इस पर पहल करना चाहिए, और ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र यानी कि जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर यह जहाँ की घटना बताई जा रही है बौराहा गाँव की, वो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब उससे साफ अंदाजा लगा सकता है कि शहर के लोग भी आज हाथियों से महफूज नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक हाथियों को भगाने में वन विभाग की टीम सफल हो पाती है। अरुण जी कुछ कहना चाहते हैं? अरुण जी आपको ये पता होगा लगातार जिस हिसाब से घटना हुई गढ़वा में, आपने देखा उसको कवरेज भी किया, इतना होने के बाद भी आपको क्या लग रहा है जंगल विभाग जो है कभी भी इसमें बचाने के एवज में कभी भी खड़ा हुई लोगों के बीच वो कभी भी गई, जब आपको कैसे बचना है लगातार वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ के जिला प्रशासन जो है जो विभाग है जो वन विभाग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो पूरा का पूरा गांव सफाया हो जाए, पूरा का पूरा जिला सफाया हो जाए तब वो अपना मुहिम निकालेंगे क्या? सही, सही। उनको तत्काल इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और ये देखनी चाहिए जो वजह क्या है और किस रीजन से इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रहा है। आपको अभी जैसे हम आपको गिनाए भंडरिया का हो गया, मिराल का हो गया, लगातार ये घटना हो रहा है, लेकिन अभी तक वन विभाग जो है कोई भी सुझाव लगातार नहीं किया। सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि झारखंड में अगर हाथियों की अगर हमले की बात की जाए तो आंकड़े अगर 2 साल के निकाल लेंगे तो सबसे ज्यादा घटना अगर बात करें तो गढ़वा जिला में हुई है। पिछले वर्ष हमने खबर दिखाया था बहुत ही प्रमुखता से कि किस तरह से जो कि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ गढ़वा जिले के ही एक भौरी गाँव है, वहाँ पे रात रात भर पूरी गाँव सो नहीं पाते थे, कह सकते हैं कि इसमें अब गढ़वा जिला मुख्यालय यानी कि वो भी अब महफूज नहीं है। अब वन विभाग आगे की कार्रवाई क्या करती है, आखिर लोगों को किस तरह से जागरूक करती है, बचाव की क्या उपाय बताती है, हाथियों को कैसे भगाती है, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार गढ़वा से, मैं अरुण कुमार।